के दिन की याद करते हैं कालीबाई के बलिदान को। 19 जून 1947 की घटना है, जब एक पुलिस अधिकारी कुछ जवानों के साथ रास्तापाल गांव में आ पहुंचा। नाना भाई और सेंगा भाई को चेतावनी दी और उन्हें कहा कि स्कूल को बंद कर दे। जब दोनों ने उनकी बात नहीं मानी तो डंडों और बंदूक की पट से पिटाई शुरू कर दी गई। दोनों लगातार मार खाते रहे पर स्कूल को बंद करने पर राजी नहीं हुए। बुजुर्ग नाना भाई पिटाई को सहन नहीं कर सके और मौके पर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं स्थानीय शासन का गुस्सा इतना था, उन्होंने सेंगा भाई को अपने ट्रक के पीछे रस्सी से बांध दिया। ताज्जुब की बात थी कि कोई भी ग्रामीण डर की वजह से उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन उस दौर में महज 12 साल की भील आदिवासी बालिका कालीबाई आ पहुंची। बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती थी। उसने जब देखा कि उसके स्कूल चलाने वालों के साथ अन्याय हो रहा है तो बच्चे ने तेज धार वाला हसिया अपने हाथ में लिया। जिस हसिया से वो घास काटा करती थी, हिम्मत करके कालीबाई ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि आपने इन दोनों को क्यों पकड़ा है। पुलिस अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो बच्ची बार बार पूछती रही। जवाब मिला कि महारावल के आदेश के विरुद्ध स्कूल चलाने के कारण। और इस दौरान 12 साल की कालीबाई को गोली यहां पर मार दी गई, लेकिन उसके बाद प्रदेश में पढ़ाई की अलख जगती हुई नजर आई थी। इस प्रोग्राम में